सतगुरु रूपी प्यारे सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सबसे पहले सतगुरु माता जी का शुक्राना, जिनकी अपार कृपा से नासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। सात संगत जी, आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज यही चाहते हैं कि जितनी भी हमारी युवा पीढ़ी है, नौजवान है, ये आगे आए, इस मिशन में आगे आए और बढ़ चढ़कर इस मिशन का प्रचार करें। कहते हैं, देश और समाज के प्रति जागरूक होकर अच्छे संस्कार और शुद्ध आचरण द्वारा संसार की तरक्की और खुशहाली के लिए युवा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। यह आत्मिक ज्ञान के द्वारा ही संभव है। युवा महापुरुष मानवता की स्थापना हेतु समाज कल्याण के काम में भरपूर योगदान देते चले आ रहे हैं। निरंकारी बाबा जी की शिक्षाओं को अपनाकर प्रेम, परोपकार, सहनशीलता, दयालुता, विशालता आदि दैवीय गुणों का समावेश युवाओं में होता चला आ रहा है। आत्मिक ज्ञान के द्वारा व्यक्ति के विवेक के सभी पट खुल जाते हैं, वे पूर्ण रूप से जागृत हो जाते हैं, उनका जीवन भ्रम और भय मुक्त होकर सहज हो जाता है, लोकहित उनकी खुशी का कारक बन जाता है, वे सब में स्वयं को देखने वे समझने में समर्थ हो जाते हैं। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज भी यही चाहते हैं कि ये युवा पीढ़ी आगे आए। कहते हैं, प्रभु द्वारा प्रदत्त युवा शक्ति की प्रतिभा और दक्षता केवल अपने और अपने परिवार तक ही सीमित है तो कोई महत्व की बात नहीं है, बल्कि परिवार की सीमाओं से आगे बढ़कर की गई परोपकार युक्त समाज सेवा ही युवाओं के जीवन को सफल बनाती है। युवा शक्ति का महत्व इस बात पर डिपेंड करता है कि वह किस किस के लिए कितना काम आ रहा है, वह किस प्रकार अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखते हुए अपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर लोकहित के लिए काम करते हुए सारी मानवता के लिए आदर्श युवा शक्ति का गौरव प्राप्त करता है। नवयुवकों की सबसे बड़ी पूंजी होती है उनका करैक्टर, साहस व सहनशीलता। चरित्र जीवन का आधार है। सच्चरित्र इंसान में काफी साहस होता है। दुष्चरित्र व्यक्ति साहसी होने का अभिनय तो करता है, उसकी एक्टिंग तो करता है, किंतु थोड़ी सी परिस्थिति विपरीत होने पर उसका दिखावटी साहस गुम हो जाता है। चरित्र ही सच्चा बल है। यह बल ही नहीं होगा तो साहस कहाँ से आएगा, हिम्मत कहाँ से आएगी। मरने मारने का साहस तो केवल जीवन को नेगेटिविटी की ओर ले जाता है। साहस वही अच्छा है जो सहनशील हो और सामने वाले के तर्कों को, सामने वाले की बातों को सहन कर सके, अपनी बात हिम्मत से कह सके और दूसरों की बात सहज रूप से सुन सके। उनकी बात को अपनाना या ना अपनाना ये तो बाद की बात होती है। एक कहावत भी है, बुजुर्गों का अनुभव और नवयुवकों का उत्साह। कहते हैं, बुजुर्गों का होश और जवानों का जोश। जुनून का भाव है किसी भी काम के प्रति इतनी गहरी निष्ठा कि जाने तक की परवाह ना करनी, अपनी जान तक की भी परवाह ना करनी। यह बुद्धि का नहीं बल्कि भाव व लगन का टॉपिक है। एक बार बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने अपने एक शिष्य को तांगा लाने का आदेश दिया। शिष्य ऐसा तांगा लाया जिसका घोड़ा बहुत मजबूत था। बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने कहा, कमजोर घोड़े वाला तांगा लाते तो हमें तांगे में ज्यादा देर बैठकर ज्यादा ज्ञान चर्चा करने का अवसर मिलता, क्योंकि कमजोर घोड़ा धीरे धीरे चलेगा और हमारा सफर लंबा होगा। बाबा बूटा सिंह जी महाराज में ज्ञान चर्चा के प्रति एक जुनून था जो उन्हें विवश करता था कि वे हर आने जाने वाले को कहें कि तुम्हें अपने परमपिता का पता है,
संत निरंकारी मिशन एक आध्यात्मिक आंदोलन है और इस आंदोलन में ऐसे ऐसे जुनून के बीज डाले गए जिसका सकारात्मक रूप आज एक विशाल और मजबूत वट वृक्ष के रूप में दिखाई दे रहा है। आज विश्व में जहाँ अनेकता है वहीं जाति पाति भाषा मुल्कों संस्कृतियों और आर्थिक स्तरों का अंतर होने के कारण नफरत भी है। ऐसे माहौल में ब्रह्मज्ञानी युवा महात्मा युवा शक्ति को स्किरिय रूप प्रदान करते हुए विकार रहित भावना सबके लिए बनाए रखते हैं। उनके अंतर मन में आध्यात्मिक जागृति का प्रवेश हो जाता है जिससे उनके हर प्रकार के दुख वासनाएं भौतिक इच्छाएं व क्लेश खत्म हो जाती हैं। उनके जीवन में सद्वृत्ति सदाचार सत्संग व सहज अवस्था प्राप्त हो जाती है। ज्ञानता के अंधकार को मिटाने के लिए युवा शक्ति की जरूरत है जो त्याग सहनशीलता संयम व विवेक से ज्ञान के दीप जलाकर एकता और प्रेम का भाव स्थापित करते हुए सभी लोगों का भला मांगते हुए सभी लोगों के सुखों की कामना करते हुए सभी की स्थापना सभी कहते हैं कि सभी लोगों के लिए सुख मांगते हुए उसको स्थापना उसकी स्थापना कर सके। स्वामी विवेकानंद जी ने भी युवाओं का आह्वान करते हुए कहा था, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इस तरह सतगुरु हमें समझा रहे हैं कि युवा शक्ति आगे आए और जागरूक भी हो और औरों को भी जागरूक करे। सत्संगत जी कहते हैं, भक्ति समर्पण का नाम है, भक्ति विश्वास का नाम है, भक्ति सतगुरु के प्रति श्रद्धा का नाम है। जब जीवन में प्रेम और विश्वास का समावेश होता है तभी भक्ति संभव होती है। माता शबरी जी को प्रभु श्री राम जी ने नवदा भक्ति का सार समझाया और पूरी जानकारी दी तभी वो भक्ति के रास्ते पर मजबूती से चल पाई। कहा भी गया है, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्ति सभी के हिस्से में नहीं आती है। सतगुरु की जब अपार कृपा होती है अपार रहमत होती है तभी भक्ति मिलती है। इतिहास गवाह है कि माता शबरी जी को भक्ति का दान मतंग ऋषि से मिला था जिनकी उन्होंने खूब सेवा की थी। जब मतंग ऋषि ब्रह्मलीन होने लगे तो उन्होंने माता शबरी की सेवा से खुश होकर उनको आशीर्वाद दिया, शबरी तुम्हें भगवान श्री राम जी के दर्शन होंगे। शबरी को अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास था। गुरु के प्रति अगाध प्रेम के कारण वे डेली अपनी कुटिया को सुबह शाम साफ सुथरा करती, फूलों की माला गूंथती, मीठे फल लाती और भगवान श्री राम जी के आने का रास्ता देखती। उनका डेली का यह रूटीन बना हुआ था। एक दिन भगवान श्री राम जी शबरी की कुटिया में आए और प्रेम में शबरी के झूठे बेर भी खाए। प्रभु श्री राम जी भक्तों के मन की पीड़ा को समझते हैं, उनकी भक्ति को समझते हैं। राजमहल में रहने वाली मीराबाई ने भक्ति के रस में डूबकर राजमहल का मोह त्याग दिया और संत गुरु रविदास जी द्वारा ब्रह्म ज्ञान की दात पाकर बिना संसार के प्रवाह किए गाने लगी, पायो जीव मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीराबाई ने भक्ति के रास्ते पर चलकर समाज को नई सीख दी कि संसार की धन दौलत से बढ़कर है भक्ति। संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा है, प्यार बिना नहीं भक्ति हो, बिन भक्ति नहीं व्यापार नहीं। भक्ति में प्रेम और विश्वास का होना बहुत जरूरी है। भक्ति का सुहाना अवसर हमें सतगुरु की कृपा से ही मिलता है। सतगुरु और भगत का रिश्ता निश्चल प्रेम पर आधारित होता है। आज संसार में लोग अपने मनों में प्यार के बजाय नफरतें बढ़ाए जा रहे हैं। इसमें अज्ञानता के साथ साथ
खुद गर्जियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है। खुद गर्जियों के कारण इंसान इंसान के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। कोई इंसान अगर किसी छोटी सी बात पर दूसरे से बहस में पड़ जाए तो उस बहस को ख़त्म करने के बजाय लोग चाहते हैं कि वह और बढ़े और बढ़ते बढ़ते हिंसा का रूप धारण कर ले। इसी प्रकार दो इंसानों के बीच हो रहे झगड़े को देखकर एक इंसान बोला, और मारो तोड़ दो, इसके 32 के 32 दांत, एक भी दांत ना रहने दो। एक दूसरा इंसान उनसे कहने लगा कि तुम झगड़ा शांत करने की जगह पर क्यों इन्हें और उकसा रहे हो। यह कहकर कि इसके 32 दांत तोड़ दो, पहले वाला इंसान बोला, तुम बीच में ना पड़ो, मैं दांतों का डॉक्टर हूँ, इनके दांत टूटेंगे तभी तो यह मेरे पास आएगा। महापुरुष समझाते हैं कि हे इंसान, ऐसे कर्म करो जिसके कारण तुम्हारा पार उतारा हो, साथ ही तुम धार्मिक माने जाओ। हम प्यार से जीवन जिए, प्यार करना हमारी आदत बन जाए, प्यार को हम मजबूत करते जाएं। जैसे एक खिलाड़ी हो या कोई गायक हो, वह अपने खेल या गायन में महारत तभी हासिल कर पाता है, वो अपने खेल या गायन में विजय तभी हासिल कर पाता है जब वह बार बार उसकी प्रैक्टिस करता है, अपने खेल को अपने गायन को मजबूत करता है। इसी प्रकार हम भी अगर बार बार इंसानों से प्यार करेंगे तो वह प्यार हमारे जीवन में भी इस कदर रच बस जाएगा कि हम प्यार में महारत हासिल कर लेंगे, हम प्यार में विजय हासिल कर लेंगे। प्यार को जीवन कहा गया है, लविंग इज लिविंग कहने का भाव है कि प्यार है तो हम जिंदा है, जहाँ प्यार नहीं होता वहाँ दूरियां होती हैं। महात्मा संत कबीर जी ने कहा कि संसार लोक प्रचारे को ही भक्ति कह रहा है, लोक प्रचारे का भाव लोगों को दिखाने के लिए भक्ति कर रहा है। दातार कृपा करे सभी इंसानों को सुमति और सद्बुद्धि मिले, ताकि सभी समय रहते ही संभल जाएं, सभी जान जाएं कि उनका असल अस्तित्व क्या है। कहा भी गया है कि परमात्मा ने इंसान के अपने रूप में बनाया है, सभी इंसानों में परमात्मा का अंश है, इसलिए परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन अज्ञानता व बाहरी बातों के कारण इंसान अपना ऐसा स्वरूप बना लेता है कि वह मानव की जगह दानव नजर आने लगता है। हम जान जाएं कि हमारा मूल रूप अत्यंत डिवाइन है, हम डिवाइनिटी के रूप में मानव शरीर में आए हैं, यह हमारे दिलो दिमाग में बैठ जाए कि हमारा स्वरूप निर्मल और पवित्र है, यह समझ आ जाए तो हमारे बाहर के सारे आवरण हट जाएंगे। ऐसा बोध हो जाने पर हम शरीर में रहते हुए भक्ति पूर्ण जीवन जिएंगे और एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखेंगे। फिर हमारा बोलना, हमारा व्यवहार करना, हमारा दूसरों के साथ पेश आना सब पवित्र हो जाएगा। यह सब सतगुरु की कृपा से ही संभव है। आज सतगुरु की कृपा से हमें जो भक्ति मिली है, इसके कारण ही यह सारा संसार हमें बहुत अच्छा दिख रहा है। परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी हमेशा अपने विचारों में कहते कि भक्ति का माहौल घर परिवार से शुरू होता है। माता पिता के हम शुक्रगुजार हैं कि घर में हमेशा सत्संग का वातावरण रहता है और सतगुरु की रहमतें मिलती हैं। युग पुरुष शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज कहते थे, आप एक कदम आगे बढ़ाओ, सतगुरु 10 कदम आगे बढ़कर तुम्हें थाम लेगा। कहा भी गया है, कौन पूछता था तेरी बंदगी से पहले, बुझे हुए दिए थे तेरी रोशनी से पहले। शबरी की भक्ति की तरह प्रहलाद को भी अपने पिता के कारण कितने कष्ट उठाने पड़े, लेकिन प्रहलाद प्रभु पर अपना पूर्ण विश्वास रखकर हर कष्ट सहता गया। इसी प्रकार आज संसार में वह भगत प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध है। इसी प्रकार हनुमान जी ने प्रभु श्री राम जी के आदेशों को बिना किंतु परंतु किए मान लिया
उनकी आज्ञा का हर आज्ञा का पालन किया। तुलसीदास जी ने भी यही कहा, राम से अधिक राम कर दासा। यह भगत की भक्ति का प्रभाव ही है कि आज संसार में जितनी भगवान श्री राम जी की मूर्तियां हैं, मंदिर हैं, उससे कहीं ज्यादा हनुमान जी के मंदिर हैं। सतगुरु से हमेशा अरदास है कि हे सच्चे पातशाह, हमें भक्ति भरा जीवन देना, हमारा विश्वास अटल रखना, कभी इम्तिहान ना लेना, ऐसे ही बख्शा जाऊं। सतगुरु माता जी ने कहा है, हम क्या तो देते हैं कि कभी इम्तिहान ना लेना, लेकिन इम्तिहान तो देना पड़ेगा। हमने यही कहना है सच्चे बादशाह, इम्तिहान आपने लेना है तो आपने ही सब कुछ कराना है, आपने ही लिखवाना है, आपने ही पर्चा पाया है, आपने ही पास करना है। इस तरह हमने सतगुरु से यही अरदास करनी है कि सच्चे पातशाह, जो जो आप हमें सिखा रहे हो, हम वही वही, एग्जाम जब आए, ये पर्चे जब पड़े, तो हम वही वही कर पाए जो आप जी ने हमें सिखाया है। भक्ति, विश्वास, सेवा, सिमरन, सत्संग, यही हमें प्राप्त होता रहे। महापुरुषों ने कहा है, भक्ति भागने का नाम नहीं, बल्कि अपने फर्जों को पूरी तरह से, उनका फर्जों का पालन करते हुए, सहज जीवन जीते हुए, हम जो जीते हुए हैं, जो जीते हैं, वही जीवन जीने का नाम ही भक्ति है। कहते हैं संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द नंबर 82 में भी लिखा है, जीवन खातिर जो कहते हैं कि जो इस तन में जीवन के हित रहने प्राण आवश्यक है, जीवन खातिर इस जीवन को चलाने के लिए जिस तरह प्राण जरूरी है, तीर नुचिले चाड़न दे ले जिवें कमान जरूरी है, धरती बाजो कमने सरदा ज्यों समान जरूरी है, प्रेमा भक्ति दे लई ऐदा गुरु दा ज्ञान जरूरी है, जो मिलता है अवतार गुरु तो ऐसा दान जरूरी है। सतगुरु ने हमें समझा दिया है कि जिस तरह इस तन में जीवन के लिए, जीवन की भलाई के लिए प्राण जरूरी होते हैं, और कहते हैं कि चिल्ले पर तीर चढ़ाने के लिए जिस तरह कमान जरूरी है, धरती के बिना जिस तरह काम नहीं चलता, तो आसमान जरूरी है, इसी तरह प्रेमा भक्ति लाने के लिए गुरु का ज्ञान जरूरी है। जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा, तो भक्ति हमें हमें प्रेमा भक्ति आएगी नहीं, हमें प्रेम का पता ही नहीं चलेगा, भक्ति का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए जब ये ब्रह्म ज्ञान जीवन में आएगा, तभी ये प्रेमा भक्ति भी आएगी। प्रेम प्लस भक्ति, प्रेम से युक्त होकर भक्ति होगी। और इसी तरह कहते हैं कि मानव तन का जो लक्ष्य है भगवान को पाना, इसको जब हम पा लेंगे तो मानव तन का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा। ये जो भगवान है, ये कहाँ से मिलता है? ये सतगुरु के चरणों में मिलता है। ये दान भी जरूरी है, हमने सतगुरु के चरणों में आकर इस निरंकार को भी पाना है, इस मानव जीवन के लक्ष्य को भी पाना है। निष्काम समर्पित भगत चाचा प्रताप सिंह जी का जीवन कर्तव्य परायणता के लिए हमेशा याद रहेगा कि उन्होंने हर फर्ज को निभाया, उन्होंने सतगुरु के आदेश को सर्वोच्च स्थान दिया और जीवन के अंतिम क्षण तक अपने फर्ज को पूरा करते रहे। चाचा प्रताप सिंह जी ने संत निरंकारी सेवा दल के ऊंचे ओहदे और मान सम्मान को भी इस काम के लिए रुकावट नहीं बनने दिया। उन्होंने हमेशा निष्काम भाव से सतगुरु के आगे समर्पित होकर सेवाएं की, और किस तरह उन्होंने सतगुरु के लिए ही जिए और सतगुरु के लिए ही मरे, किस तरह उन्होंने सतगुरु के साथ ही अपने प्राण न्योछावर कर दिए, सतगुरु के आगे खड़े हो गए। और पहले कहते हैं कि उन्होंने पहले अपने प्राण न्योछावर किए, गुरु के लिए ही जिए और गुरु के लिए ही मरे। उनकी गुरु भक्ति, कर्तव्य निष्ठा और निष्काम सेवक वाला व्यक्तिगत तब हमेशा आने वाली पीढ़ी को सेवा की प्रेरणा देता रहेगा। सतगुरु अपने भगत का हर काम करता है,
हमारे मन में भक्ति और सेवा करने की प्रबल इच्छा होनी चाहिए। वास्तविकता में भक्ति ही जीवन के सभी सुख प्रदान करती है। सतगुरु के चरणों में अरदास है कि हम निंदा नफरत अहंकार से दूर रहकर सेवा सिमरन सत्संग करते हुए भक्ति भरा जीवन जिए। भक्ति से भरा जीवन दातार हमें देना, मजबूत पहाड़ों सा एतबार हमें देना। भक्ति है बड़ी ऊंची, निर्बल है भगत तेरा, एक तू ही सहारा है इस राह में प्रभु मेरा। सच्चे पाशा, आप जी ने ही बल बख्शना है, आप जी हमारा सहारा हो, आप जी ने ही भक्ति के रास्ते पर चलाना है और हमारे मन को मजबूत बनाकर रखना है। सच्चे पाशा, ऐसा हम सेवा सिमरन सत्संग करते रहें, ये किरदार निभाते रहें और इसी तरह हमारा ये जो जीवन है आप जी के चरणों में बीत जाए, हमारा लोक सुखी परलोक सुहेला हो जाए और हम अपनी मंजिल को पा जाएं। यही आप जी के चरणों में याचना है, प्रार्थना है, कामना है, प्रवान करना और उदासी सभी के लिए आप जी के चरणों में यही अरदास करती है सच्चे पाशा। सभी सभी संतों महापुरुषों को तन का मन का धन का सुख देते हुए, तन बंधन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना, सभी का भला करना, सभी के घर में खुशियाँ देना, बहारें देना, भरो खुशियों से सबके दामन के कहीं कोई कमी ना रहे। यूं ही बरसे रहमतों का सावन के कहीं कोई कमी ना रहे और सभी के भले की अरदास करते हुए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज माता गुरु वचन अवतार की जय। हाँ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार।